करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंचता दिख रहा है। दोनों ही प्रमुख दल, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। पोस्टर, बैनर, झंडे, वॉल पेंटिंग तो चुनाव प्रचार का हिस्सा है ही, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 3D मोबाइल फैन, होलोग्राम टेक्नोलॉजी और मोबाइल कवर पर भाजपा स्टिकर चिपकाकर भी चुनाव प्रचार में अग्रसर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंचता दिख रहा है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। पोस्टर, बैनर, झंडे, वॉल पेंटिंग तो चुनाव प्रचार का हिस्सा है ही, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 3D मोबाइल फैन, होलोग्राम टेक्नोलॉजी और मोबाइल कवर पर भाजपा स्टिकर चिपकाकर भी चुनाव प्रचार में अग्रसर है। आपको बता दें कि होलोग्राम ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस नई तरह के चुनाव प्रचार में व्यक्ति अपने गले में एक पंखानुमा स्क्रीन को लेकर जगह जगह घूमता है, जिसे ब्लूटूथ के साथ लिंक किया जाता है और उस स्क्रीन पर वीडियो चलता है। वहीं हमीरपुर की जनता भी इस तरह के चुनाव प्रचार को देखकर काफी उत्साहित दिख रही है। अनूप प्रेशर का मानना है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के कई तरीके देखे हैं, लेकिन यह जो तरीका अब मोबाइल फैन, होलोग्राम टेक्नोलॉजी का है, ये वाकई ही बड़ा प्रभावित और आकर्षित लग रहा है। अनूप प्रचार जी, चुनाव प्रचार आजकल चला हुआ है, जो कुछ क्या कहना चाहते हैं आजकल लेटेस्ट जो सिस्टम? एक जमाना था जब चुनाव प्रचार जो था वो पोस्टरों से, बैनरों से हुआ करता था, और अभी आपने देखा होगा हमीरपुर में एक नई तरह की टेक्नोलॉजी जो आई है, जिसमें लोगों ने स्क्रीन सी गले में बांधी है और जो वो चुनाव प्रचार हुआ हो रहा है। अनुराग जी जो है वो अपने हाईटेक तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जिस तरह से देश ने विकास किया है और इस तरह की टेक्नोलॉजियाँ अब आ रही हैं, सो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इस तरह की नई नई चीज़ें आएंगी देश में, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और बढ़िया तरीके से, और प्रचार भी होगा बहुत शानदार तरीके से। वहीं युवतियों का कहना है कि वे भाजपा के फैन हैं और इसलिए ही मोबाइल कवर पर स्टिकर चिपका कर प्रचार कर रही हैं। हम बीजेपी के फैन हैं, इसीलिए हमने ये स्टिकर लगाया है और हम आशा करते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार आए। बीजेपी के फैन हैं, इसलिए हमने लगाया है। काबिले गौर है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पहली बार भारत में लोकसभा चुनावों के दौरान किया जा रहा है, और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र ही पूरे भारत में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां इस टेक्नोलॉजी के द्वारा चुनाव प्रचार फिलहाल प्रयोग के तौर पर हो रहा है। टीम नमो अगेन का मानना है कि आने वाले समय में इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने वाली है।